पब्लिक तो so, आज हम करने वाले हैं जे डबल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में पूछा गया थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन तो so, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया था तो so, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ था लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन यहाँ पे हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है फर्स्ट लाइन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एल एक्स माइनस फाइव अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस अपॉन जीरो है वो क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है दूसरी लाइन है एल वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू फोर माइनस टू रूट सिक्स यानी कि ये जो टू रूट सिक्स है वो क्या है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों लाइन के अकॉर्डिंग इज नॉट पॉसिबल यानी की आल्फा बीटा एंड गामा अगर इस एल लाइन पे है तो आल्फा बी इन चारों में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी वो हमको फाइंड आउट करना यानी कि सबसे पहले तो हमको ये लेमड़ा फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आपको एक चीज याद रखनी है जब भी आप जे डबल का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो फ्रॉम द चैप्टर थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री आपकी एग्जाम में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा ही होगा इधर आपको क्या करने का होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का होगा नहीं तो इस तरह से लैमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ होगा चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी है सबसे पहले तो यहाँ पे हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए चार चीजें पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज है एक्स वन y1 वन वन वो होता क्या है ये होते हैं लाइन पहली लाइन के पॉइंट्स पॉइंट्स मतलब x माइनस फाइव तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया फाइव y माइनस लेमड़ा तो क्या हो गया लेमड़ा उसी तरह से z प्लस लेमड़ा बीच में साइन क्या होनी चाहिए माइनस लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस चलिए एक्स वन वाई वन जेड वन अब दूसरा हमको पता होना चाहिए ए वन बी वन एंड सी वन ये क्या होता है ये होता है डायरेक्शन रेशियो तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो डिवीजन में लिखा हुआ होता है तो ये हो जाएगा माइनस टू जीरो एंड वन चलिए ये फर्स्ट चीज हमने फाइंड आउट कर ली अब आते हैं दूसरी लाइन वन पे अब जिस तरह से ये फाइंड आउट किया उसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे एक्स टू लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया हुआ है लेकिन अगर डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो लिख सकते हैं हम वन यहाँ पे भी वन लिख सकते हैं यहाँ पे भी वन लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे देखिए सभी जगह पे पहले क्या होना चाहिए X Y एंड Z लेकिन यहाँ पे Z बाद में है मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो z क्या हो जाएगा प्लस फोर चला जाएगा इसे माइनस फोर एंड डिवीजन में ये क्या हो जाएगा माइनस वन चलिए वैल्यूज पता कर लेते हैं एक्स प्लस वन प्लस है बीच में साइन माइनस मतलब कि माइनस वन उसी तरह से वाई माइनस वन तो हो जाएगा वन सेड माइनस फोर यानी कि ये हो जाएगा फोर चलिए डायरेक्शन रेशियो यानी कि ए टू बी टू सी टू क्या हो जाएगा वन वन माइनस वन डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे वन वन माइनस अब आते हैं फॉर्मूला पे स्टैंडर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला है एस डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू अपन सिमिलरली यहाँ पे आई कैप, जे कैप के कैप ए वन, बी वन, सी वन ए टू बी टू सी टू चलिए आपको क्या करना है सिर्फ वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि माइनस वन माइनस फाइव

वन वन माइनस वन चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको ये हो जाएगा माइनस सिक्स ये वैसे का वैसा वन माइनस लेमरा फोर प्लस माइनस टू जीरो वन 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 माइनस वन अपॉन वे तो वैसे का वैसा ही रहेगा आई कैप जे कैप के कैप बाकी सब वैसे का वैसा चलिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं सबसे पहली टर्म क्या है माइनस सिक्स तो माइनस सिक्स लिख लिया हमने ब्रैकेट में क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा जीरो बीच में साइन आएगी माइनस टू वन इंटू वन क्या माइनस टू वन माइनस में क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टू इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस वन टू टू माइनस वन इंटू वन माइन की माइनस वन प्लस फोर प्लस लेमडा ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस टू इंटू वन माइनस टू माइनस जीरो से मल्टीप्लाई है तो जीरो अभी सिंपली आपको क्या करना है ऊपर ये जो ब्रैकेट मिले वो तो सेम ही रहेगी सिर्फ आपको लगाना है आई कैप जीरो माइनस वन माइनस जे कैप टू माइनस वन प्लस माइनस टू माइनस जीरो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सिक्स माइनस ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस ये माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू इंटू फोर यानी कि माइनस एट एंड माइनस टू डिवीजन में क्या आएगा माइनस आई कैप ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा माइनस टू के अभी आई जे के को रिमूव करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा इन दोनों का मोड चलिए ये क्या हो जाएगा लैमड़ा माइनस टू लेमड़ा यानी कि माइनस लैमडा माइनस वन माइनस एट माइनस नाइन में से चला गया सिक्स तो माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट वन का रूट माइनस वन का वन प्लस माइनस वन का वन टू का टू तो ये मिल गया हमको माइनस लैमड़ा माइनस थ्री अपॉन रूट सिक्स ये इज इक्वल टू स्टैंडर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको दिया गया है टू रूट सिक्स रूट सिक्स को पेश देते हैं सामने तो लैमड़ा माइनस लैमड़ा माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू इंटू सिक्स यानी कि ट्वेल्व तो यहाँ पे माइनस बाहर ले लेते हैं कॉमन तो क्या मिलेगा लेमड़ा प्लस थ्री एंड सामने की साइड क्या हो जाएगा प्लस और माइनस ट्वेल्व क्योंकि मोड हटाएंगे तो सामने की साइड प्लस और माइनस आएगा चलिए लेमड़ा प्लस थ्री इज इक्वल टू एक बार ट्वेल्व एंड लेमड़ा प्लस थ्री इज इक्वल टू एक बार माइनस ट्वेल्व तो लेमड़ा प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेल्व माइनस थ्री यानी लेमड़ा इज इक्वल टू मिल गया उसके बाद यहाँ पे ये थ्री चला जाएगा सामने तो माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री यानी कि देखिए हमको क्या दिया हुआ है कि लेमड़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए यानी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है सिर्फ कौन सी वैल्यू पॉसिबल है लेमड़ा की ये वैल्यू अब लेमड़ा की वैल्यू तो हमको मिल गई तो उसके ऊपर से एल लाइन हमको मिल जाएगी चल तो एल हमारी लाइन क्या हो जाएगी एक्स माइनस फाइव माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस लेमड़ा अपॉन जीरो की जगह पे क्या रख देंगे नाइन इज इक्वल टू जेड प्लस नाइन अपॉन वन इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई एंड जेड क्या है हमारा अल्फा, बीटा गामा। चलिए तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा इसको अगर के के कंपेयर करें तो ये माइनस टू के से मल्टीप्लाई यानी कि माइनस टू के माइनस फाइव चला जाएगा सामने तो प्लस फाइव जीरो से मल्टीप्लाई है तो ये जीरो हो गया नाइन चला गया सामने तो क्या हो जाएगा प्लस अब ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो के ये चला जाएगा सामने तो माइनस नाइन तो ये हो गया अल्फा बीटा एंड गामा तो लेकिन हमको तो यहाँ पे अल्फा एंड गामा ही दिया हुआ है चलिए देखते हैं कि अल्फा अकॉर्डिंग टू तो अल्फा एंड गामा क्या होगा यहाँ पे देखिए हमको क्या मिला था अल्फा इज इक्वल टू तो हमको मिला था माइनस टू के प्लस फाइव एंड गामा इज इक्वल टू मिला था के माइनस अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट में अल्फा प्लस टू गामा वैल्यू माइनस टू के प्लस फाइव प्लस के टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू के माइनस ए क्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस टू के माइनस टू के कैंसल फाइव इज इक्वल तो यहाँ पे क्या है 24. तो 13 और 24 कभी इक्वल नहीं हो सकते तो हमारा हमको पता चल गया कि फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा क्या है रॉन्ग है यानी कि आंसर हमारा हो गया फर्स्ट वाला लेकिन हमको बाकी सब भी चेक करना पड़ेगा चलिए सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं टू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू टू गामा टू से मल्टीप्लाई होगा ये तो हो जाएगा फोर के प्लस टेन प्लस गामा यानी कि प्लस के माइनस नाइन इज इक्वल टू ये सिंप्लीफाई माइनस थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा सेवन यानी की के वैल्यू हम ऐसी रख सकते हैं जिससे आंसर सेवन आ सकता है यानी कि ये ऑप्शन क्या है करेक्ट उसी तरह से बाकी सब चेक करेंगे चलिए थर्ड टू अल्फा माइनस इज इक्वल टू नाइन प्लस था यहाँ पे माइनस है चलिए तो माइनस फोर के प्लस टेन माइनस के प्लस नाइन ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव के प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन तो हम के की वैल्यू ऐसी ले सकते हैं जिससे आंसर क्या है नाइन आए तो ये वाला भी करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है उसके बाद देखते हैं लास्ट ऑप्शन हमारा अल्फा माइनस टू गामा इज इक्वल टू नाइन अल्फा की जगह पे क्या है माइनस टू टू के प्लस से मल्टीप्लाई है तो माइनस टू के प्लस एटीन इज इक्वल टू नाइनटीन तो ये हो जाएगा माइनस फोर के प्लस ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू नाइनटीन तो इन के की वैल्यू हमें ऐसी ले सकते हैं जिससे आंसर क्या है नाइनटीन आ जाए सब्जेक्ट बनाएंगे के को आंसर मिल जाएगा तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि नॉट पॉसिबल हो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया